ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस विशिष्ट सत्र में जिसका नाम है श्री बृहद भागवतामृत। आप सबने जरूर ही इस ग्रंथ के बारे में सुना होगा। इस ग्रंथ की रचना षड गोस्वामी से जो वरिष्ठ गोस्वामी हैं श्रील सनातन गोस्वामी, इन्होंने इसकी रचना की है। तो इसके आगे हम श्री बृहद भागवतामृत का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। आप सबसे विनती है कृपया करके हमें आशीर्वाद दे जिससे हम इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का विस्तार से वर्णन कर सकें। आप में से कई लोगों ने इस श्री बृहद भागवतामृत का पठन किया होगा और स्वाभाविक है कि इसमें आपको बहुत ही अलग अलग प्रकार के तत्वों के बारे में भी जानकारी मिली होगी। भागवतामृत इस शब्द का अर्थ हम इस प्रकार से लेंगे। हम सबने श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ा है। आप सब जानते हैं कि भागवत महापुराण ये सभी शास्त्रों का सार सर्वस्व है। मतलब सभी शास्त्रों में से जो महत्वपूर्ण जो भाग है उसे भागवत कहा गया है। और इसे शुकदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था। तो ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत का भी सार सर्वस्व है। मतलब जैसे हम सबको पता है कि दूध महत्वपूर्ण होता है, लेकिन दूध को और अगर उसे गाढ़ा किया जाए स्वादिष्टता और बढ़ जाती है। तो श्रीमद् भागवत पुराण ये गाढ़े दूध के समान है, लेकिन बृहद भागवतामृत और उसका घनत्व बढ़ा देता है। क्या गया है अभी ये जो ग्रंथ है श्रील सनातन गोस्वामी जी ने क्यों लिखा? हम सब जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रमुख शिष्यों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की थी और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण सेवा थी कि वैष्णव सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर रहा। और इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को खासतौर पर ये जो 6 गोस्वामी हैं वृंदावन के, इन 6 गोस्वामियों को भगवान की भक्ति का अलग अलग प्रकार के शास्त्र में जो वर्णन आया है इस वर्णन को संकलित करने का आदेश किया। ये जो बृहद भागवतामृत है ये ग्रंथ पहले अस्तित्व में हुआ करता था, लेकिन कालांतर में ये ग्रंथ लुप्त हो गया। और ये जो लुप्त ग्रंथ है इसे फिर से श्री सनातन गोस्वामी जी ने प्राप्त किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उन्हें इस ग्रंथ का साक्षात्कार हुआ। अब ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ बहुत विस्तार से भगवान के भक्ति के
रस रहस्य को उजागर करता है। हमें पता है कि भगवान के भक्ति के भगवान की भक्ति में भक्त विभिन्न प्रकार के रसों में भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। यही जो रस है, इस रस का संपूर्ण रहस्य इस बृहद भागवतामृत नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन उसके पहले हम इस ग्रंथ की शुरुआत करने के पूर्व सनातन गोस्वामी जी कौन है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस ग्रंथ की जो रचयिता है, ये रचयिता का अगर जब तक परिचय न हो तब तक इस ग्रंथ के महत्व का हमें ज्ञान न होगा। इसलिए हम पहले सनातन गोस्वामी कौन है ये जानने का प्रयत्न करेंगे, और उसके बाद उन्होंने इस ग्रंथ की जो रचना की है वो कैसे की, और साथ में इस ग्रंथ का इतिहास क्या है उसका भी हम चर्चा करेंगे। तो श्रील सनातन गोस्वामी पाद का अभी एक संक्षिप्त परिचय हम देने जा रहे हैं। श्रील सनातन गोस्वामी ये चैतन्य महाप्रभु के सबसे वरिष्ठ शिष्य थे। हम सब जानते हैं छह गोस्वामी के नाम, रूप सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। इन सब गोस्वामियों का ये सारे जो छह गोस्वामी थे, इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के जो उपदेश है उन उपदेशों का प्रचार प्रसार किया, और उन सब छह गोस्वामियों से भी सबसे वरिष्ठ और ज्येष्ठ जो थे वो सनातन गोस्वामी थे। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु की विशिष्ट कृपा प्राप्त थी। ये जो सनातन गोस्वामी है, इनके पूर्वज दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रांत में रहा करते थे। कई पीढ़ियों तक उन्होंने इस कर्नाटक प्रांत में निवास किया, लेकिन कालांतर में वो पश्चिम बंगाल में आकर बस गए। इनके पिता का नाम कुमारदेव था। वे भारद्वाज गोत्रीय यजुर्वेदीय ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। उनका जन्म काल 1488 था। अभी ये जो काल वर्णन है, हम सब जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव 1486 में हुआ था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सनातन गोस्वामी ये भगवान चैतन्य महाप्रभु से केवल 2 वर्ष ही छोटे थे, और समकालीन होने के कारण ये चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निकटवर्ती शिष्य भी रहे। सनातन गोस्वामी के 3 भाई थे, मतलब वे 3 भाई थे। उनके नाम थे अमर, संतोष और अनुपम। बाद में इनका नाम श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और श्रीवल्लभ। ये सनातन गोस्वामी ये अपने पूर्व लीला में चतुष्कुमारों में से सनातन नाम के कुमार थे, और भगवान श्री कृष्ण की लीला में ये लवंग मंजरी के रूप में उपस्थित थे। तो ये भी दर्शाता है कि चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य श्री भगवान श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए तो वे अपने नित्य पार्षदों के साथ इस भौतिक जगत में आए थे, क्योंकि जब भी भगवान अवतरित होते हैं वे अपने नित्य पार्षदों के साथ ही उपस्थित होते हैं। और सनातन गोस्वामी ये भगवान श्री कृष्ण की लीला में लवंग मंजरी मतलब गोपिकाओं के निकटवर्तीय सेविकाओं में से एक थे। तो ये भी उनका वैशिष्ट्य है। बंगाल के बादशाह नवाब हुसैन शाह के राजदरबार में सनातन गोस्वामी, जिनको सकार मलिक के नाम से भी जाना जाता था, वो प्रधानमंत्री के पद पर थे। रूप गोस्वामी, जिन्हें दबीर खास के नाम से जाना जाता था, ये उस दरबार में वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर का पद संभाल रहे थे। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो संपूर्ण बंगाल के जो प्रांत है उसका सबसे प्रमुख पद, सबसे प्रमुख अहदा जो था इन 2 भाइयों के पास था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण इन्होंने ये सब का त्याग कर दिया और उन्होंने भगवान की भक्ति को ही स्वीकार किया। राज्य कार्य त्याग देने के पश्चात काशी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने 2 महीने तक संबंध, अभिदय और प्रयोजन तत्व की शिक्षा प्रदान की तथा स्वशक्ति संचार कर उनको आचार्य के पद पर स्थापित किया। तो ये जो सनातन गोस्वामी है, इन सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने काशी में
2 महीने तक भक्ति तत्व का ज्ञान प्रदान किया, हम दान किया। तो ये भी दर्शाता है कि सनातन गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। महाप्रभु ने उनको 4 विशेष कार्यों का दायित्व दिया था। वास्तविक तौर पे ये सारे जो कार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि 6 के 6 गोस्वामी को यही उपदेश दिए थे। तो हम देखते हैं कि कौन से 6 4 उपदेश थे। तो सबसे पहले हैं, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि जगत में भक्ति सिद्धांत की स्थापना हो। मतलब लोग भगवान की भक्ति तो करते थे, लेकिन उस भक्ति में वास्तविक शास्त्र का आधार नहीं था। हर कोई व्यक्ति अपने मनोभाव के से भगवान की उपासना करते थे, लेकिन शास्त्र के आधारित जो भक्ति का सिद्धांत है वो एक प्रकार से लुप्त तो हो चुका था। हम सब जानते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए उस समय पर कई सारे लोग अलग अलग प्रकार से अलग अलग देवी देवताओं की उपासना में लिप्त थे। वे सोचते थे कि वे भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे भक्ति के नाम पर केवल अपनी इंद्र तृप्ति ही कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होकर उनके प्राकट्य का एक और महत्वपूर्ण भाग था कि इस जगत में भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करें। और इसके लिए जो तत्व ज्ञान, जो शास्त्रीय आधार या प्रमाण आवश्यक थे, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने इन 6 गोस्वामियों को दी, और खास तौर पर सनातन गोस्वामियों को दी। साथ ही साथ ब्रज मंडल के जो लुप्त तीर्थ है उनका उद्धार करने के लिए कहा। आज हम जब वृंदावन धाम जाते हैं तो वृंदावन धाम में हम अलग अलग जगह पर भगवान की विशिष्ट विभिन्न जो लीलाएं हुई है उसका दर्शन करते हैं, लेकिन आज से 500 साल पूर्व वृंदावन ऐसा नहीं था। पूरी तरह से जंगल था और किसी को भी पता नहीं कि भगवान की लीला कहाँ पर कौन सी लीला हुई। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि इस जगत में भगवान श्री कृष्ण का जो प्रिय धाम है वृंदावन, उस वृंदावन धाम को पुनः स्थापित किया जाए। मतलब जिस जिस जगह पर भगवान की लीलाएं हुई उसका जगत के सामने प्रस्तुत किया जाए। और ये भी कार्य चैतन्य महाप्रभु ने अपने 6 गोस्वामियों को प्रदान किया। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज जो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे वो है कि भगवान की सेवा कैसे की जाए। अभी हर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति तो करता है, लेकिन भक्ति करने के लिए जो जो भगवान की भक्ति का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है सेवा अंग। हम सब जानते हैं कि कलयुग की शुरुआत में व्यासदेव जी ने सभी ग्रंथों को संकलित किया, लेकिन इन सब ग्रंथों में भगवान की भक्ति का बहुत ही गूढ़ रूप से प्रस्तुतिकरण किया। मतलब किसी भी ग्रंथ में भगवान की भक्ति स्पष्ट रूप से नजर नहीं आती थी। हालांकि अलग अलग ग्रंथों में भगवान का गुणगान किया गया है, भगवान की भक्ति के बारे में बताया गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से कहीं पर भी भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं आया है। तो इन गोस्वामियों ने इन सभी शास्त्रों में से भगवान की भक्ति का जो मर्म है, इसेंस है, वो निकाल कर उसे लिपिबद्ध किया, और उसे ही हम वैष्णव स्मृति ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। हरि भक्ति विलास ये भी इसी एक ग्रंथ का भाग है। तो वैष्णव स्मृति ग्रंथ में भगवान के भक्त किस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, भगवान के भक्त आपस में उनका आचरण कैसा होना चाहिए, इन सभी चीजों का वर्णन हरि भक्ति विलास इस ग्रंथ में बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। तो सनातन गोस्वामी जी का ये जो ग्रंथ है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बृहद भागवतामृत, तो ये ग्रंथ क्या वैशिष्ट्य है प्रदान करता है? वैष्णव स्मृति तथा भक्ति सिद्धांतक जो महत्वपूर्ण भाग है चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का, तो ये दो चीजें जो है इस ग्रंथ में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। भगवान के भक्त कैसे होते हैं, भक्ति कैसी होनी चाहिए, और भगवान को सबसे प्रिय क्या है, इन सब चीजों का बहुत ही सुंदर तरीके से जो वर्णन किया है वो इस ग्रंथ में आता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम भगवान की भक्ति को तो करते हैं, लेकिन क्या सही मायने में हमारी भक्ति भगवान को पसंद होती है? क्या हम जो भक्ति कर रहे हैं क्या वो सही मायने में भगवान को प्रिय है? तो
तो ये समझ पाना बहुत कठिन होता है। तो इस ग्रंथ में इसी बात का रहस्य प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार की भक्ति भगवान को बहुत प्रिय है, और साथ ही साथ हमें भी अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो किस प्रकार की भक्ति करनी होगी। तो इन सब चीजों का वर्णन श्री सनातन गोस्वामी जी ने इस बृहद भागवतामृत नामक ग्रंथ में किया। तो एक परिचय हम देना चाहेंगे कि ये बृहद भागवतामृत क्यों महत्वपूर्ण है। श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जो भगवत भक्ति विज्ञान के शिक्षक थे, भगवत भक्ति पर कई किताबें लिखी हैं, जिनमें श्री बृहद भागवतामृत बहुत प्रसिद्ध है। यदि कोई भक्त भक्ति और भगवान संबंधित तत्वज्ञान को जानने का इच्छुक है तो उसे यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो भगवत भक्ति का एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ में श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति के बारे में बहुत ही गंभीर है तो ऐसे गंभीर भक्त को इस बृहद भागवतामृत नामक ग्रंथ को अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इस ग्रंथ में भक्ति के जो प्रमुख तत्व है इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है, और इसका उल्लेख स्वयं प्रभुपाद भी अपने शिष्यों को कहते हैं, करने के लिए कहते हैं। और इसी वजह से ये जो ग्रंथ जो अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ था, श्रीमान गोपी परंधर प्रभु इनके इनकी सहायता से आज ये ग्रंथ हम सबको उपलब्ध है। तो ये किताब हम सबको अवश्य पढ़नी चाहिए। लेकिन इसके पूर्व हम ये सब कहना चाहेंगे कि इस किताब को पढ़ने के पहले आपको सारे बेसिक बेसिक चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। मतलब आपने कम से कम भगवद गीता पढ़नी चाहिए, आपको श्रीमद् भागवत पुराण भी समझना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इन दो ग्रंथों को नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो तब तक इस बृहद भागवतामृत के जो उपदेश है उसका सार तत्व हमें समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये जो ग्रंथ है, ये इस ग्रंथ की जो योग्यता है पढ़ने के लिए, उसमें शुरू में ही सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ये ग्रंथ केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को अभी तक भगवान के स्तर पर स्वीकार नहीं कर रहा है तो ये ग्रंथ उसके लिए नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति, खासतौर पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न है, ऐसे व्यक्तियों को ये ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद एक और जगह पर इस ग्रंथ की स्तुति करते हैं। वे कहते हैं, श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद के अलौकिक प्रयासों के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु कई प्रयोजन सिद्ध करना चाहते थे, जिनमें प्रमुख था भक्ति सिद्धांतों की स्थापना। अतः सनातन गोस्वामी ने प्रथम श्री बृहद भागवतामृत नामक ग्रंथ का संकलन किया, जिनमें उन्होंने भक्त कैसे बने, भक्ति में सेवा कैसे करें और भगवत प्रेम कैसे प्राप्त करें इत्यादि विषयों का विवेचन किया है। तो श्रील प्रभुपाद भी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ श्री चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से सनातन गोस्वामी जी ने लिखा है, और ये ग्रंथ में भगवत भक्ति सिद्धांत का पूरी तरह से वर्णन किया गया है। और इस भक्ति सिद्धांत में प्रमुख विषय क्या है? सबसे पहले भक्त कैसा होना चाहिए, हमें भक्त कैसे बनना चाहिए, किस प्रकार का भक्त भगवान को प्रिय है इसके बारे में बताया है। बाद में भक्ति में सेवा कैसी होनी चाहिए जो भगवान को प्रसन्न करती हो, और भगवान के प्रेम को कैसे प्राप्त करें, इन सब चीजों का वर्णन इस ग्रंथ में आया है। आपकी जानकारी के बता दें कि जब चैतन्य महाप्रभु ने विभिन्न गोस्वामियों को विभिन्न प्रकार के ग्रंथ लिखने के लिए कहा, तो सनातन गोस्वामी जी ने ये ग्रंथ सर्वप्रथम लिखा। ये ग्रंथ उस समय लिखा गया जब जब चैतन्य चरितामृत लिखा भी नहीं गया था। यहाँ तक कि शील रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में भी वर्णन आता है कि बृहद भागवतामृत इस ग्रंथ के द्वारा ही उन्हें भक्ति सिद्धांतों के तत्व को समझने की प्रेरणा मिली। अगले वर्णन में हम देखते हैं
ये भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ है, ग्रंथ का एक भाग है जिसमें रूप गोस्वामी कहते हैं, श्रील रूप गोस्वामी जो अपने बड़े भाई श्रील सनातन गोस्वामी को अपने गुरु समान मानते थे, अपने प्रसिद्ध ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में बृहद भागवतामृत ग्रंथ का उल्लेख करते हैं। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, श्रीमद् प्रभो पदां भोजे सर्वा भागवतामृते व्यक्ति कृतास्ति गुढ़ापि भक्ति सिद्धांत माधुरी। मेरे आराध्य गुरुवर ने अपने भागवतामृत ग्रंथ में भक्ति तत्व के गहनतम अर्थों का बड़ी मधुरता के साथ वर्णन किया है। तो श्रील रूप गोस्वामी जो अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी को अपने गुरुवर मानते थे, वे भी स्वयं कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि बृहद भागवतामृत जो ग्रंथ है इसके अंदर भक्ति तत्व के गहनतम अर्थ छिपे हुए हैं। और केवल इतना ही नहीं, ये गहनतम अर्थ समझने में भी आसान है। इसको बहुत मधुरता के साथ कथा के रूप में सनातन गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। तो इस वजह से भी ये जो ग्रंथ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दर्शाता है कि ये जो ग्रंथ है रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखने के पूर्व ही सनातन गोस्वामी ने इस ग्रंथ की रचना की थी। तो ये बहुत ही पुरातन ग्रंथ है, चैतन्य चरितामृत तथा भक्ति रसामृत सिंधु से भी पुराना ग्रंथ है, ये यहाँ से प्रस्तुत होता है। फिर आगे चल के हम वर्णन पढ़ते हैं इसकी, जब इस ग्रंथ की जब हम शुरुआत करते हैं तो इसके प्रस्तुतिकरण में इस ग्रंथ के वैशिष्ट्य का वर्णन आता है। समस्त वेद वेदांत पुराण इतिहास और आदि शास्त्रों का सार स्वरूप श्रीमद् भागवत है। उस श्रीमद् भागवत का भी मंथन कर यह ग्रंथ प्रकटित किया गया है, इसलिए इसका नाम श्री भागवतामृत है। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि सारे जो ग्रंथ है उसका सार है श्रीमद् भागवत पुराण, लेकिन बृहद भागवतामृत उस भागवत पुराण का भी सार है। मतलब आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ पढ़ा है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ पढ़ने के पश्चात वो समझ जाता है कि भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ इस जगत में मूल्यवान नहीं है, और साथ ही साथ संतुष्ट तथा तृप्त हो जाता है। लेकिन सोचो कि ऐसे श्रीमद् भागवत का भी सार, ऐसे श्रीमद् भागवत का भी अमृत जो मंथन करके प्राप्त किया गया है वो है बृहद भागवत अमृत। जैसे हम सब जानते हैं कि जब दूध का मंथन होता है तो उसमें से अमृत निकला था, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत पुराण उस दूध के समुद्र के भांति है, क्षीर सागर के भांति है, जिसे सनातन गोस्वामी ने अपनी परिपक्वता में अपनी साधना के बल पर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मंथन कर साक्षात्कार करके प्राप्त किया है। और ये जो भागवतामृत है उसी श्रीमद् भागवत का भी निचोड़ या सार है। तो सोचिए कि कितना वो महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए हम इस शास्त्र का अध्ययन करने वाले हैं। इस ग्रंथ की पाशव में इस प्रकार से है कि ये ग्रंथ जो है वह भगवत भक्ति संबंधी सभी विषय स्थान स्थान पर प्रकाशित करता है। मतलब भगवान की जो भक्ति है उस भक्ति का जो भी अलग अलग स्तर है उस स्तर को विशिष्ट रूप से इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है, समझाया गया है। ये जो ग्रंथ है इसका मूल जैमिनी तथा जैमन्य जन्मजेय इनके संवाद के रूप में है। तो मतलब इस कथा की शुरुआत, इस ग्रंथ की शुरुआत जैमिनी ऋषि तथा जन्मजय जो परीक्षित महाराज के पुत्र हैं उनके बीच शुरू होता है। और जब जैमिनी ऋषि जन्मजय को ये कथा सुनाते हैं तो बताते हैं कि वास्तविक तौर पे ये जो वर्णन आया है ये वर्णन परीक्षित तथा परीक्षित की माता उत्तरा के बीच में हुआ है, और यही संवाद के आधार पर इस ग्रंथ को लिखा गया है। अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि वास्तविक हो क्या रहा है यहाँ पर, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस प्रकार से हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि ग्रंथ की शुरुआत शौनक आदि ऋषि गणों के द्वारा सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछने से होती है। मतलब सुत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषि इनके बीच में संवाद शुरू होता है।
लेकिन इस संवाद में भी सुत गोस्वामी राजा परीक्षित और शुकदेव के गोस्वामी के बीच में हुए संवाद को वर्णन करते हैं। मतलब श्रीमद् भागवत पुराण वास्तविक तौर पर परीक्षित महाराज और शुकदेव गोस्वामी के बीच में का वर्णन प्रस्तुत करता है। लेकिन ये वर्णन जो है, ये वर्णन आगे चल के सुत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के ऋषियों को भी समझाया था। उसी प्रकार से ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है, ये भागवत पुराण भी सबसे पहले परीक्षित महाराज ने अपनी माता उत्तरा को सुनाया था, और यही ग्रंथ बाद में आगे चल के जैमिनी ऋषि ने जन्मजय को सुनाया। तो हम इस ग्रंथ के विषय में आगे वर्णन करेंगे कि कौन है जैमिनी ऋषि, जन्मजय ये परीक्षित के पुत्र है, इसके बारे में हम और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन एक परिचय के रूप में आपको ये सब बताया जा रहा है। अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवत सुनने के बाद और तक्षक आगमन से पहले श्री परीक्षित की माता श्री उत्तरा देवी ने उनसे यह प्रश्न किया था, हे वत्स, तुमने श्री सुखदेव गोस्वामी से जो कुछ सुना है उसका सार स्वरूप सरल सहज बोधगम्य भाषा में कहो। इसी प्रश्न से यह ग्रंथ प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वास्तविक तौर पे यह ग्रंथ शुरू कैसे होता है। आप सब जानते हैं, आप सबने श्रीमद् भागवत में पढ़ा होगा कि परीक्षित महाराज को 7 दिन में मृत्यु होने का शाप प्राप्त हुआ था, और 7 दिनों तक परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर उन्होंने अपना जीवन सार्थक कर लिया था। 7 दिनों के अंत तक सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को संपूर्ण श्रीमद् भागवत पुराण कह सुनाया, और उसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी वहां से चले गए। लेकिन परीक्षित महाराज को डसने के लिए या मारने के लिए अभी तक तक्षक आया नहीं था। अभी तक कुछ काल बचा हुआ था, और इस काल में और इस समय के अंदर जब परीक्षित महाराज भागवत सुनकर हो गया है और तक्षक उसका आना अभी तक बाकी है, इस काल में माता उत्तरा अपने पुत्र परीक्षित से पूछती है कि दुर्भाग्यवश मैंने सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत का वर्णन नहीं सुना, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे पास अभी ज़्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत समय बचा है उस समय में तुम मुझे भागवत पुराण का सार समझा दो, जिससे मुझे भी श्रीमद् भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो हम सब जानते हैं कि कई बार बहुत सारे भक्त होते हैं जो पूरी तरह से शास्त्र नहीं पढ़ पाते, तो कभी कभी सार स्वरूप में, शॉर्ट में, द जिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट पूछा जाता है। जैसे हम जानते हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने को कहा जाए तो लोग पढ़ते नहीं हैं, कहते हैं कि बहुत बड़ी है, समय नहीं है। लेकिन इसीलिए हम भक्त जो है वो क्या करते हैं, इसी श्रीमद् भगवद गीता को सार स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे सामान्य व्यक्ति भी इस गीता के मूल विषय को समझ जाए और वो भी भगवान की भक्ति को स्वीकार कर ले। उसी प्रकार से उत्तरा माता भी जो अपने बेटे के वियोग से दुखी थी, वो चाहती थी कि कम से कम परीक्षित महाराज के जाने के पूर्व वो भी अपना जीवन सार्थक कर ले, और वो जानती थी कि श्रीमद् भागवत जैसा महान ग्रंथ जो उनके द्वारा छूट गया था न सुनने के कारण, वो चाहती थी कि ये जो बचा हुआ समय है उसका भी पूरा पूरा लाभ प्राप्त किया जाए, और इसलिए वे अपने पुत्र परीक्षित महाराज से जिज्ञासा करती है कि कृपया करके मुझे भागवत का सार समझाओ। जब ये सब चीज़ें परीक्षित महाराज सुनते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, और वे अपने माता को बधाई देते हैं, और वे कहते हैं, वे फिर बृहद भागवतामृत नामक इस संवाद का प्रारंभ करते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को ही इस शास्त्र में सुनने वाले हैं कि क्या इतिहास है और क्या परीक्षित महाराज ने माता उत्तरा को सुनाया था। तो संक्षिप्त में बताया जाए, ये जो श्री बृहद भागवत पुरा भागवतामृत ग्रंथ है, ये 2 भागों में विभाजित है, पूर्व खंड और उत्तर खंड।
पूर्वखंड जो है इसमें श्री भगवत कृपासार निर्धारण है। इसका अर्थ ये होता है कि इस पूर्वखंड में बताया गया है कि भगवान की भक्ति का जो भगवान की भक्ति की करने से उनकी सबसे ज्यादा कृपा किसके ऊपर हुई है। हम सब जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं, लेकिन जो अलग अलग प्रकार के भक्त हैं इन पर भी सबसे ज्यादा कृपा किसके ऊपर प्राप्त किससे प्राप्त हुई है, इसका वर्णन इस भाग में किया गया है। इस भाग में श्री नारद मुनि जानना चाहते हैं कि सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कृपा प्राप्त भक्त कौन है, क्योंकि भगवान की भक्ति तो हर कोई करता है, लेकिन उन सब भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है जिसे भगवान की सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त है। तो ये जानने के लिए नारद मुनि अलग अलग जगह पर भ्रमण करते हैं। तो इस अध्याय में या इस खंड में 7 अध्याय हैं। 7 अध्याय के नाम भौम, दिव्य, प्रपंचातीत, भक्त, प्रिय, प्रियतम और पूर्ण कृपा पात्र। हम इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे, एक एक करके अध्याय का वर्णन करेंगे, लेकिन बताना चाहूंगा कि ये सब करने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों नारद मुनि अलग अलग प्रकार के भक्तों को ढूंढने के लिए जाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त कौन है, वो इसमें से जानना होता है। तो इसे केवल एक हमें चीज समझानी है इनको कि वास्तविक भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए। ये इन सब ये पूरे खंड में इसी बात पर ज्यादा जोर दिया गया है। भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए और ऐसी जो आदर्श भक्ति है ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, इसकी खोज श्री नारद मुनि करते हैं और इसका ही वर्णन इस पूर्व खंड में किया गया है। उत्तरखंड की बात करें तो इसके अंदर भी हम देखते हैं कि भगवान के सर्वोत्तम धाम का वर्णन किया गया है, श्री गोलोक महात्म्य निरूपण। मतलब यहां पर भी हम देखते हैं कि भगवान के अलग अलग धाम हैं, जैसे इस जगत में भी धाम है, वैकुंठ धाम है, द्वारका धाम है, अयोध्या धाम है, गोलोक धाम है। तो भगवान के भक्त अलग अलग धामों में जाकर निवास करते हैं, लेकिन इन सब धामों में भी सर्वश्रेष्ठ धाम कौन सा है। कई बार हम उसको सुनने में मिलता है कि भगवान के भक्त है जो जो भी भगवान के भक्त है वो भगवान के धाम वैकुंठ में चले जाते हैं, लेकिन इस ग्रंथ में बताया गया है कि ऐसा नहीं होता। हर भक्त वैकुंठ नहीं जाता, क्योंकि वैकुंठ के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज हैं और इस अलग अलग कैटेगरीज का ही वर्णन यहाँ पर किया गया है गोप कुमार के जर्नी से। मतलब गोप कुमार का जो प्रवास है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो ये गोप कुमार का मैं संक्षिप्त परिचय देता हूँ। गोप कुमार ये एक छोटा सा बालक है जो वृंदावन में रहा करता था और गोवर्धन के पास उसका घर हुआ करता था। उसे एक बार गुरु प्राप्त होते हैं और ये गुरु जो है ये विशिष्ट गोपाल मंत्र प्रदान करते हैं। इस मंत्र के प्राप्ति से ये गोप कुमार जो है वो भगवान की भक्ति को बहुत गंभीरता से स्वीकार कर लेता है और आगे चल के वो अलग-अलग जगह पर उसकी गति होती है। पहले वो स्वर्ग जाता है, स्वर्ग से फिर आगे जाता है, आगे जाता है, ऐसे करते करते वो वैकुंठ धाम आता है। वैकुंठ धाम में भी से भी वो आगे जाता है, अयोध्या जाता है, अयोध्या से और आगे जाता है द्वारका, द्वारका से और आगे जाता है गोलोक धाम में। तो ये जो अलग अलग धाम का वर्णन है ये इस किताब में वर्णन किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान के सारे भक्त एक ही जगह पर जाते हैं, नहीं, जिस प्रकार भगवान भक्त होता है उसी प्रकार से भगवान भी उस भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ धाम जहाँ पर भगवान अपने आप को परिपूर्ण मानते हैं, जहाँ पर भगवान अपने आप को बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही एक तरह से कहें कि रिलैक्स महसूस करते हैं, तो ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पर भगवान और भक्त के बीच में बहुत ही मधुर नाता है, ऐसा कौन सा धाम है। तो इस धाम का वर्णन करने के लिए ये उत्तरखंड लिखा गया है जिसमें गोप कुमार की कथा आती है और ये गोलोक महात्म्य का वर्णन करता है।
इसके अंदर भी 7 अध्याय हैं, वैराग्य, ज्ञान, भजन, वैकुंठ, प्रेम, अभीष्ट लाभ और जगदानंद। हम इन सब चीज़ों का वर्णन विशेष बहुत ही विस्तार से करने वाले हैं। तो आज केवल हम इतना ही कह के रुकेंगे, क्योंकि आज पहला ही क्लास था, प्रवचन था। इसमें हमने श्री बृहद भागवतामृत के परिचय का वर्णन किया है, सनातन गोस्वामी कौन है इसका भी वर्णन किया है। अभी जो प्रथम अध्याय है, पृथ्वी प्रसंग, जहाँ पर पूर्व खंड का हम वर्णन करेंगे। इस पूर्व खंड की शुरुआत नारद मुनि से होती है। नारद मुनि जानना चाहते हैं कि कौन है सर्वश्रेष्ठ भक्त, और इसकी शुरुआत करते हुए वे पृथ्वी से चालू करते हैं, और फिर किस प्रकार से ये कथा आगे बढ़ती है इसका वर्णन हम कल के दिन करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।